गाइस यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी रिएक्ट ऑन अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ ताजमहल। हमने कहा था कि ताजमहल पे एक बेहतरीन और डिटेल्ड रिएक्शन लेकर आएंगे, तो आए वक्त आया नहीं करते, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद आपके साथ गपशप होगी। इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा, जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडला रहे हैं। जेम टीवी की वीडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। लगभग 400 साल पहले बनाई जाने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग, जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का सातवां अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी एक या दो सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा हैरतअंगेज तौर पे $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट्स ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थीं जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स भी आज तक तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट्स ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन भी था, और वो ये था कि खतरनाक अर्थक्वेक की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो ये बाहर की तरफ गिरकर ताजमहल पर एक आंच भी ना आने दे। लेकिन आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले किसी सूरत में इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी, और जब उस दौर में कंक्रीट या स्टील ही नहीं हुआ करता था तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डूम को कैसे बनाया गया? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे आज की इस स्पेशल वीडियो में। नाजरीन, ये मामला स्टार्ट हुआ था सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते में मुगल एम्पायर का होल्ड हुआ करता था। इस दिन मुगल शहंशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम 15 साल का हो चुका था, और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल शहंशाह को सबसे ज्यादा अजीज था, इसी वजह से इसके हर जन्मदिन पर इसको हीरे जवाहरात और सोने से तोला जाता था, यानी जितना वजन शहजादे खुर्रम का होता था उतना ही खजाना इसके नाम कर दिया जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर कुछ और भी खास होने वाला था। मुगल शहंशाह ने शहजादे खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और खुर्रम को पहले दिन ही एक दूसरे से बे इंतहा मोहब्बत हो चुकी थी, और उस वक्त ये किसी को भी मालूम नहीं था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और उनमें भरपूर कामयाबी भी हासिल की। इसी वजह से शहनशाह ने खुश होकर उनको शाहजहां के लकब से नवाजा, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थीं जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थीं। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, और 4 सालों के बाद यानी 1621 में मुगल शहंशाह अचानक चल बसे। शाहजहां, जो पहले ही मुगल एम्पायर में खासा फेमस हो चुका था और जो शहंशाह का चहीता बेटा भी था, 1628 में यानी बाप की मौत के 7 सालों बाद उसने शहंशाह की गद्दी संभाल ली।
पूरी मुगलिया सल्तनत अपने नए शहंशाह से बेहद खुश नजर आती थी। ये वो पीरियड था जब मुगल एम्पायर अपने पूरे उरूज पर थी, यानी पूरे इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के भी कई हिस्सों में मुगलिया सल्तनत का राज हुआ करता था। सारे फैसले शाहजहां खुद करता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरे दिया करती थी। लेकिन किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये खुशियाँ अनकरीब मातम में बदलने वाली हैं। गद्दी संभाले अभी एक ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल एम्पायर को दुश्मनों का सामना करना पड़ा। अगले दो साल जंग चलती रही और शाहजहां को इस जंग में भी भरपूर कामयाबी नसीब हुई। लेकिन शाहजहां अभी इस कामयाबी का जश्न मनाते कि उनको एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, उसकी हालत बिगड़ गई और 17 जून सन 1631 को वो ना चाहते हुए भी इस दुनिया से चल बसी। पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया। ये खबर जो शाहजहां पर आग बनकर गिरी थी, उसने तो जैसे इनकी दुनिया ही खत्म कर डाली। शाहजहां की सबसे पहली मोहब्बत और उनकी सबसे अजीज बीवी मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। कहा जाता है कि इस गम की परचाई ने शाहजहां को काले अंधेरों में धकेल दिया था। अगले 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और अगले 2 सालों तक ना कोई मौसीकी सुनी और ना ही परफ्यूम लगाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश की थी। वो चाहती थीं कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस टास्क को और मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। मुमताज के गुजरने के 6 माह बाद यानी 1632 में ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। करीब 20,000 से भी ज्यादा मजदूर, पत्थर तराश और कारीगरों को पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। लश्करों के लश्कर शाहजहां के हुक्म पर आगरा बुलवा लिए गए थे। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना रिवर के बराबर में मौजूद थी, इसी वजह से इस जगह पर दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना काफी मुश्किल टास्क था। रिवर के किनारे जमीन काफी सॉफ्ट होती है और अगर यहाँ खुदाई का काम किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की फाउंडेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। इस मसले से निपटने के लिए मुगल इंजीनियर्स ने यहाँ सबसे पहले जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू किए। मजदूर ये कुएं तब तक खोदते रहते जब तक खुश्क जमीन नजर न आ जाती थी। इन कुओं को पत्थरों और गारे से भरा गया और फिर उसके ऊपर पत्थरों के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस सारे काम को अंजाम देने के लिए मजदूरों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज को भी इस्तेमाल किया गया। मुगल इंजीनियर्स की ये ट्रिक काम कर चुकी थी और अब एक ऐसी मजबूत फाउंडेशन तैयार थी जो नरम जमीन पर भी फौलाद बनकर खड़ी थी। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी एक ऐसे बिल्डिंग डिजाइन की जो आज से पहले किसी ने भी ना देखा हो, एक ऐसा डिजाइन जो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। ताजमहल के डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया था। और जब इन सबको कंबाइन किया गया तो एक शानदार और आलीशान डिजाइन उभर कर सामने आया। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाखों नहीं करोड़ों ईंटें मौके पर ही बेक की गईं। ये सब इतना आसान नहीं था और इसमें ला तादाद पैसे भी बहाए जा रहे थे। हर गुजरते दिन शाही खजाना तेजी से खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को किसी चीज की परवाह नहीं थी, बस उनको ये काम हर कीमत पर कंप्लीट करना था। कहा जाता है कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन में इतने ज्यादा लोग लगाए गए थे कि इनकी वजह से आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की डिमांड पूरी करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इसको संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक दुनिया का फाइनेस्ट मार्बल माना जाता है।
शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी जब तक ताजमहल की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी तब तक किसी को भी ये मार्बल खरीदने की इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया। ताजमहल का ये खूबसूरत डोम इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा सिर्फ आंखों से देखकर ही लगाया जा सकता है। आजकल इस तरह के डोम बड़ी आसानी से स्टील स्ट्रक्चर पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन 400 साल पहले 40 मीटर ऊंचे डोम को बनाने में उनके पास सिर्फ पत्थरों का ही सहारा था। इस डोम को बनाने में मुगल इंजीनियर्स ने जो स्ट्रेस कैलकुलेशन की थी उसकी आज के इंजीनियर्स भी बहुत तारीफ करते हैं। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पीटरा डूरा या परचिनकारी से डेकोरेट किया जाना था। पीटरा डूरा एक ऐसी कलाकारी को कहा जाता है जिसमें कीमती पत्थर को मार्बल के अंदर तराश कर लगाया जाता है। मार्बल को बड़ी महारत और बारीकी से कीमती पत्थर की शेप के हिसाब से तराशा जाता है और फिर उसमें पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल पर इस्तेमाल होने वाली ग्लू कोई आम ग्लू नहीं थी। काफ़ी रिसर्च और लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद मालूम पड़ा कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगमरमर पाउडर को मिलाकर बनाई जाती थी। वही सेम ग्लू आज भी ताजमहल की रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताजमहल की खास बातों में एक बात यह भी है कि ये दिन में 4 मर्तबा अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है, नीले आसमान पर जैसे मोती चमक रहा हो, और सनसेट के वक्त ये पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद सन 1654 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस आलीशान इमारत का नाम अपनी पसंदीदा बीवी की याद में ही रखा। मुमताज महल से इसका नाम ताजमहल रख दिया गया। हर साल शाहजहां मुमताज की बरसी पर यमुना रिवर के जरिए ताजमहल पर जाया करते थे। ये ताजमहल की ऐसी एंट्रेंस थी जिसको सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इस एंट्रेंस की दीवारों पर दिलकश नक्काशी का काम किया गया था जो शायद सिर्फ शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कम्प्लीट तो हो चुका था, लेकिन इसने मुगलिया सल्तनत को तबाही के किनारे पर ला खड़ा किया। 4 सालों के बाद यानी 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उलट दिया और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से इस तख्त पर राज कर रहे थे उसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में ही बंद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी थी जो शाहजहां को दी गई और वो ये थी कि जिस कमरे में उसको बंद किया गया था उसकी खिड़की से वो ताजमहल को देख सकते थे। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 ईयर्स की एज में शाहजहां भी इस दुनिया को अलविदा कर गए। शाहजहां का अब मुमताज से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उनको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। ताजमहल मोहब्बत का एक निशान, दुनिया का 7वां अजूबा, मुग़ल बादशाहों की बेहतरीन पहचान, शाहजहां की बेहतरीन मोहब्बत का एक अनमोल नमूना। लेकिन जहां पर एक बात वीडियो के अंदर भी हो चुकी है कि ये वो दौर था जहां से मुग़ल अम्पायर, मुग़लों का जो दौर था वो ख़त्म हुआ, और आपने देखा कि किस तरह मुग़ल ख़ानदान के अंदर बगावत शुरू हुई, अपने ही बाप को कैद में डाला और 7 साल कैद में रहने के बाद जो है शाहजहां इस जहां से गुजर गए। लेकिन ओवरऑल जो अमेजिंग फैक्ट समझ में आए हैं कि हमें पहले नहीं पता था कि ताजमहल दिन में 4 मरतबा जो है उसका जो रंग है वो बदलता है, ठीक है, और वो रंग बदलने की वजह जब सूरज मुख्तलिफ अदवार में गुजरता है या जो समझे मराहल में आता है तो इसका ताजमहल का कलर चेंज हो जाता है। ये हमारे लिए बड़ी एक नॉलेजेबल बात थी, इससे पहले हमें नहीं पता था। और उसके अलावा जो ताजमहल की जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो बातें की गई वो भी बिल्कुल बेहतरीन बातें हैं और ये हकीकत से इनका ताल्लुक़ है। और जो इंजीनियर्स उस वक्त जिन्होंने काम किया कि वो क्योंकि नदी के किनारे पे मुमताज़ की कब्र थी तो उसके ऊपर जो है ना ये ताजमहल बनाना था,
तो बड़ी महारत के साथ पहले कुएं खोदे गए, बेस बनाई गई, और उसके बाद जो शाहजहां ने खुद आइडिया दिया कि मैं जो अपने बुजुर्गों की जो मकबरे हैं उनका एक कम्बिनेशन बनाऊंगा, और कॉम्बो जैसे हम आप कह सकते हैं मिक्स कॉम्बो बना दिया ताजमहल। तो उन्हें भी ये अंदाज़ा, टारगेट उनका था, लेकिन उन्हें ये नहीं अंदाज़ा था कि ये दुनिया का सातवां अजूबा होगा और रहती दुनिया तक शाहजहां और मुमताज़ महल का जो है नाम रहेगा बाकी। तो ओवरऑल ताजमहल इंडिया के लिए एक खूबसूरत तोहफा है जो मुग़ल एम्पायर्स की तरफ से आया है, और ओवरऑल जो इंडिया के पास कदीमी मकामात हैं वो सबसे बेहतरीन हैं और इस वक्त बेहतरीन हालत में मौजूद हैं। यहाँ पर बातों बातों में एक बात कही गई कि ताजमहल की जो रेनोवेशन है वो उसी अंदाज़ में होती है जिस तरह उस दौर में शाहजहां ने वो ग्लो बनवाई थी। ठीक है, शायद लेमन जूस और संगमरमर के जो पाउडर है, तो ये वो मतलब इस बात की निशानी है कि इंडियन गवर्नमेंट्स उसी अंदाज़ के साथ इस कदीमी आसार कदीमा को संभाल के रखे हुए हैं। तो ताजमहल पाकिस्तानी तो यकीन माने बड़े एक्साइटेड होंगे जब पाकिस्तानियों को मौका मिले कि यार जाके ताजमहल देख लो। तो ओवरऑल ताजमहल क्या बात है, बहुत अलग, काश हमारे पास भी कोई शाहजहां ताजमहल मतलब बना जाते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलें इंडिया में है, हमसाया मुल्क है, बहुत आला। उम्मीद करते हैं आज का रिएक्ट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।